फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल फ्लेवर फिस्ट में स्वागत है। आज हम आपको यूनिक तरीके से पकौड़ी बनाना सिखाएंगे और वीडियो के अंत में आपको हम टिप्स देंगे, किस बच्चे से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड। अब हम आप इसके लिए बैटर तैयार करते हैं। दो कप बेसन ले लेंगे हम, हाफ टी स्पून नमक, ये हमारा पिसा हुआ मिर्च है, चौथाई चम्मच मिर्च, हमारी पिसी हुई शक्कर है, एक चम्मच हम शक्कर लेंगे, वन पिंच हींग है, चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा है, ये हमारा इमली का बना हुआ खट्टा पानी है। हम इसी से इसको बैटर को तैयार करेंगे। यदि आपको लगता है कि ये ज्यादा खट्टा हो जाएगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप पानी से भी इसको तैयार कर सकते हैं। आप हीटर से इस तरीके से फेंट करके इसको 5 मिनट के लिए साइड में ढक करके रेस्ट कर पर रख दीजिए। अब हम दूसरी पकौड़ी के लिए रेसिपी तैयार करते हैं। ये हमारा नमक है, इसमें नमक ऐड करेंगे हाफ टी स्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये हमने हरा वो मिर्च जो लाल हो जाता है हमने वो यूज किया है, इसमें एक हरा मिर्च है, आप जैसा कड़वा पसंद करें। जीरा, ये हमारी कटी हुई महीन महीन पालक है, इसमें हम डंठल नहीं यूज करेंगे, पत्तियां हैं। इस बैटर को हम इस तरीके से, अब इसमें हम गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर देंगे, चौथाई चम्मच, और चौथाई चम्मच देखिए, चौथाई चम्मच इसमें हमने बेकिंग सोडा ऐड किया। अब हम इस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, गैस पर रखेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, ये हमारा सरसों का ऑयल है। अब हम आपको इसका तैयार होने वाली जो चीजें हैं, प्याज है, आप देखिए हमने प्याज के लच्छे लिए हुए हैं इस टाइप से। आप प्याज काटेंगे तो आप देखेंगे एक में इस तरीके से रिंग्स आते हैं और एक में इस तरीके से बीच में ही रिंग खत्म हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिएगा कि इस प्रकार का आप लीजिएगा और इसको हम इस तरीके से काटते हैं, ये इस तरीके से स्लाइस बनाकर काटेंगे, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। जब ये हम स्लाइस बना के काटेंगे तो ये अपने आप ही ऐसे लच्छा हो जाएगा, ये देखिए। जितने बड़े सर्किल हैं आप ले लीजिए, आप ये मत सोचिएगा कि ये खराब हो गया है, आप इसको दूसरी जगह रख लीजिए। अब हम इसको छोटा छोटा सा काट लेंगे, ये देखिए हमने जितने भी इसमें बची हुई प्याज की छोटी छोटी चीजें थी हमने सारी इसमें काट दी है, ये देखिए अपने हमने तैयार कर लिया है इसको। इसी तरीके से ये हमने शिमला मिर्च की स्लाइस काटी है, आप देख सकते हैं, ये देखिए इसी तरीके से आलू का चिप्स जैसा हम निकालेंगे और इसमें ऐसी कटोरी लेकर के हम इसको बीचों बीच में पुश करेंगे, जितना मोटा हमको छल्ला चाहिए उतना हम इसको कट कर लेंगे, ये आप देखिए
ये देखिए, ये देखिए, ये भी स्लाइस आपकी खराब नहीं होगी, इसका भी हम आपको बताएंगे। ये जितना भी छोटा छोटा और ये टेढ़ा ऐसे सर्किल निकलेगा साइड से, ये टेढ़ा वाला, इसमें आप इस तरीके से छोटा छोटा काट लीजिए और सब बैटर में हम डाल देंगे इसको। अब हम सारी सामग्री जो हमने अभी आपका चॉप करके दिखाया था छोटा छोटा, आप सब इसमें ऐड कर दीजिए। मेरा आलू हो गया, ये प्याज हो गया, ये मेरा एक टुकड़ा पनीर का है, आप इसको भी इसी में मैश कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो आप डाल दीजिए। हमने प्याज डाल दिया है, अब सबको मिक्स कर देंगे। हमारा देखिए आप तेल हो गया है, अब हम आपको दिखाते हैं इसका बनाने का तरीका। आप किसी प्लेन कच्छुल पर तेल लगा लीजिए और इसे सर्किल इस पर रख दीजिए इस तरीके से, इसमें बैटर डाल दीजिए और धीरे से इसमें देखिए आप, हम इसको आलू से बना रहे हैं, इसी तरीके से हम आलू में बनाएंगे। ये दूसरा बैटर है नमकीन वाला, इस तरीके से आप डाल करके, आपका बैटर जो है वो पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी रेसिपी बिगड़ जाएगी। धीरे से इस तरीके से आप निकाल दीजिए और इसी तरीके से आप शिमला मिर्च यूज कीजिए, इसमें भी डाल दीजिए। ये देखिए, आप चाकू से अगर गिराना नहीं चाहती या आपसे नहीं गिरता है तो आप इस तरीके से रखिए कोई भी बैटर, ये वाला, वो फर्स्ट वाला जो हमने बना के दिखाया था, वो आप इस तरीके से रख करके पुश करते हुए आप इसमें गिरा दीजिए इस तरीके से। ये देखिए हमारी पकौड़ियां बनकर तैयार हो गई। अब इसमें हम चाट मसाला ऐड कर देंगे, देखिए आप इस तरीके से चाट मसाला ठीक से डालेंगे। ये हमारा भुना जीरा है, अच्छा लगता हो तो आप मैगी मसाला भी डाल दीजिए थोड़ा गार्निश के लिए। धनिया आप बनाइए, टेस्ट कीजिए, देखिए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। और लास्ट में एक टिप्स, आप जो चावल बनाती हैं तो आपका चावल जो है खिला खिला नहीं रहता है, सफ़ेद नहीं रहता है। आप 10 मिनट के लिए चावल आधा चम्मच नमक में पानी में डाल करके उसको भिगो कर रख दीजिए, फिर उसको साफ साफ धुल करके आप चढ़ा दीजिए। आप देखिएगा पानी की मात्रा सही रहनी चाहिए, आप देखिएगा कि चावल एकदम आपका सफ़ेद और खिला हुआ बनेगा। थैंक यू, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।